दादा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज की ये जो हमारी शुरुआत है काफ़ी हरी भरी है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया पत्ते पड़े हुए हैं, लेटस लीव्स हैं, ब्रोकली हैं, काफ़ी हर्ब्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि आजकल लोग बढ़िया हरा भरा खाना खाना पसंद करते हैं। हाल ही में मैं दौरा कर रहा था अपने इस देश का, घबराइए नहीं, मैं कोई ऐसा दौरा नहीं कर रहा था, इलेक्शन के लिए दौरा नहीं कर रहा था, मैं अपनी नई बुक खजाना ऑफ हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ के लॉन्च के लिए जगह जगह गया और वहाँ पर मैंने ऐसा देखा कि काफ़ी लोग अच्छा खाना बनाना चाहते तो हैं लेकिन किस तरह से बनाते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है, ख़ास तौर से जब सैलड बनाने की बारी आती है। जितनी चीज़ सिंपल होती है उतना बनाना मुश्किल होता है, ऐसा लोग समझते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक सैलड से। बहुत ही सिंपल सैलड है और सैलड में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सैलड बनाना बहुत ही आसान होता है लेकिन उसके रूल्स कुछ नहीं होते हैं, बहुत कम रूल्स होते हैं। खैर बनाते हैं ब्रोकली और मैक्रोनी सैलड। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैक्रोनी, 1 ब्रोकली, 10 से 12 लेटस लीव्स, 1 रेड पेपर यानी लाल शिमला मिर्च, 1 येलो पेपर यानी पीली शिमला मिर्च, 1 जुकीनी, 8 से 10 चेरी टमेटोज, 1/4 रेड कैबेज, 3 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वादानुसार और 1 बड़ा चम्मच टबैस्को सॉस। मैक्रोनी और ब्रोकली सैलेड के लिए सबसे पहले जो मैक्रोनी है उसे आप बॉईल कर लें। ये जो मैक्रोनी है उसे हमने उबाला है, इसे उबालने के बाद छान लें और ठंडा कर लें। और जो ब्रोकली है उसको भी फ्लोरेट्स में काट कर गर्मा गर्म उबलते हुए पानी में करीब 3 से 4 मिनट तक रखें। जब ये गल जाए, लेकिन पूरी तरह से गलनी नहीं चाहिए, थोड़ी क्रिस्प होनी चाहिए, उसके बाद इसको छान लें और ठंडे पानी में रखें। ये एकदम ब्रोकली ठंडी है इस समय और ये जो मैकरोनी है वो भी पकी हुई है। अब एक बोल में हम ले लेते हैं इसे और ब्रोकली जिसे हमने पकाया है, देखिए कितना हरा भरा सैलेड है। इसके साथ इसमें हम डालेंगे कुछ लेटस लीव्स, इसे हाथ से तोड़ के इसमें डालें, और कुछ और पत्ते हैं मेरे पास यहाँ पर, एक दूसरी तरह की लेटस लोलो रोसो, उसको भी हम तोड़ लेते हैं इसी तरह से हाथ से। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जुकीनी ली है, जो तुरई रहती है जुकीनी, उसको पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, धो लें, छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसको पतला पतला काट कर हमने इसके अंदर डालना है। और इसमें हम डालेंगे रेड पेपर, लाल रंग की शिमला मिर्च, दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखती है। यदि आपको नहीं मिले तो आप इसकी जगह टमाटर को काट कर डाल सकते हैं, टेस्ट में फ़र्क है लेकिन रंग एक जैसा रहेगा। येलो पेपर, पीली वाली शिमला मिर्च यदि मिले तो, और इसके साथ इसमें डालें चेरी टमाटोज, छोटे टमाटर हैं, उसे हम धोकर इसी तरह से डालेंगे। इसके साथ आप चाहें तो इसमें रेड कैबेज भी डाल सकते हैं, ये जो कैबेज है पर्पल कलर की दिखती है लेकिन कहते हैं इसको रेड कैबेज है, उसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डालें कुछ फ्रेश हर्ब्स, जैसे हमारे पास बेजिल लीव्स हैं, स्वीट बेजिल है, सेज है, आपको जो भी फ्रेश हर्ब 1-2 किस्म की मिले उसके पत्ते इसमें तोड़कर डालें। इसके बाद इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है, टॉस कर लें इन सब चीज़ों को। देखें कितना रंग बिरंगा ये सैलेड है, जो चीज़ दिखने में इतनी बढ़िया हो वो खाने में तो बढ़िया लगेगी ही। सैलेड का जो मेन सोल होता है वो होती है उसकी ड्रेसिंग, तो इसकी जो ड्रेसिंग है उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। ड्रेसिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल ले लें, जो नॉर्मल सैलेड होते हैं उसमें ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग बहुत बढ़िया रहती है, तो इसलिए ऑलिव ऑयल लेते हैं। और जो ऑलिव ऑयल है वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं। और इसमें डालें विनेगर खट्टा करने के लिए, आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसमें डालें चीनी, नमक,
और कुटी हुई काली मिर्च, यानी ये जो ड्रेसिंग है इसमें हमने खट्टा, तीखा और मीठा सब टेस्ट डाल दिए। आप चाहें इसमें तो गार्लिक का फ्लेवर भी दे सकते हैं, बारीक कटा हुआ गार्लिक डालें, इसे मिक्स कर लें। आप चाहें तो इस ड्रेसिंग को एक बॉटल में भी डालकर बना के रख सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं बनाकर। इसमें कुछ और तीखा आपने डालना हो तो आप इसमें टबैस्को या कैप्सिको डालें। जो सैलेड की ड्रेसिंग है उसमें काफ़ी टेस्ट होना चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे जो ड्रेसिंग्स होती हैं नॉर्मली शार्प ड्रेसिंग्स होती हैं। इसमें टबैस्को या कैप्सिको, इसे भी डालकर मिक्स कर लें। इसके बाद ये जो ड्रेसिंग है इसे आप थोड़ा सा चख लें, यदि इसमें नमक, खट्टा, मीठा सब ठीक है तो इसका मतलब है ये ड्रेसिंग तैयार है। और सर्व करने से पहले आप सैलेड में ये ड्रेसिंग डालें। डालने के बाद इसे हम टॉस कर लेते हैं। ये जो ड्रेसिंग है देखिए कितने बढ़िया रंग है इस सैलेड के, और ये जो ड्रेसिंग हमने बनाई है ये भी बहुत टेस्टी ड्रेसिंग है। ये जो सैलेड है ना सिर्फ दिखने में बढ़िया है, खाने में भी बहुत बढ़िया है। इसकी जो फ्रेशनेस है, इसमें हमने हर्ब्स डाली हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं, और जितनी सारी चीज़ें हैं वो एकदम फ्रेश हैं। सैलेड के लिए ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जो सब्जियां आप लें वो एकदम ताज़ी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए और क्रिस्पी होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है बढ़िया सैलेड बनाने का। जितना सैलेड खाने में मज़ा आता है उतना सैलेड बनाने में मज़ा आता है। जब आप सैलेड को टॉस करते हैं इतनी फ्रेश चीज़ों के साथ, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। इसलिए खाना खाने में नहीं बनाने में भी कई बार बहुत मजा आता है, बना के देखिए। इसके लिए आप मैक्रोनी में पानी डालकर उबाल लें और इसे छानकर ठंडा कर दें, और ब्रोकली के पीसेस को भी करीब 4 मिनट तक पानी में उबालें और इसे ठंडा कर लें। इसके बाद एक डिश में पकी मैक्रोनी, पकी ब्रोकली, लेटिस के पत्ते, कटी जुकीनी, कटी लाल शिमला मिर्च, कटी पीली शिमला मिर्च, चेरी टोमेटोस, लाल पत्ता गोभी और बेसिल के पत्तों को डालकर मिलाएं, और इसकी ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल में विनेगर, चीनी, नमक और कुटी काली मिर्च डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें बारीक कटा लहसुन और टबैस्को सॉस डालकर मिलाएं और इस ड्रेसिंग को सैलेड में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमने देखा मैक्रोनी से बना हुआ इतना बढ़िया सैलेड, बहुत आसान सैलेड था, तो मैंने सोचा कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जिसमें थोड़ी सी मुश्किल हो। वैसे तो हमारी जितनी रेसिपीज होती हैं सब आसान होती हैं, लेकिन कभी कभी मज़ा आता है कि कुछ मेहनत कराई जाए। वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि रेसिपी तभी अच्छी बनती है जब खूब सारी मेहनत हो, ऐसी बात नहीं है। खैर देखिए ये मेहनत वाली रेसिपी भी बढ़िया होगी, चाहें तो उसमें मेहनत कैसे कम कर सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो देखते हैं, प्रॉन एंड यैम कटलेट। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम यैम यानी कंद, 200 ग्राम प्रॉन्स छोटे साइज के, 3/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 अंडा, 1 कप ब्रेड क्रम, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और तलने के लिए तेल। प्रॉन एंड यैम कटलेट के लिए सबसे पहले आप यैम ले लें, यैम यानी कंद, जिमी कंदी लोग कहते हैं, और इसके बाद आप इसको छील लें। थोड़ी सी मुश्किल होती है, काफ़ी छीलने में मुश्किल होती है, काटने में मुश्किल होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ी मेहनत वाली रेसिपी है जैसा मैंने आपको कहा था, लेकिन एक बार आप मेहनत कर लेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि ये डिश बहुत बढ़िया थी और मेहनत करने लायक थी। इसके बाद कंद को आप पीसेस में काट लें। ये जो कंद है इसे हमने पकाना है, और जल्दी पकाने के लिए आप इसे पतले पीसेस में काट लें। यदि आपके पास तेज़ छुरी है तो तेज़ छुरी से इस तरह से पतले पीसेस काट लें। यदि आप थोड़े मोटे भी काटेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे हमने सिर्फ पकाना है। कंद को काटने के बाद पानी में उबाल लें आप इसे, नमक और हल्दी पाउडर डाल के। उसके बाद जब ये पक जाए छान लें,
ये जो कंद है इसे हमने पकाया है, देखिए कितने आराम से टूट जाती है। इसके बाद अब हम बाकी तैयारी करेंगे। तेल ले लें आप और तेल गर्म होने में उसमें डालें बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, दोनों चीज़ों को हमने सौते करना है। और इसके बाद इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी हमने सौते करना है। जब तक ये प्याज थोड़ा भुनता है, एक कढ़ाई में हम तेल रख लेते हैं इन कटलेट को फ्राई करने के लिए। और अब इसमें डालें हरी मिर्च, जितना तीखा आप कटलेट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से। हरी मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें डालें प्रॉन्स, ये छोटे साइज के प्रॉन्स आप इसके लिए ले लें, हमें बड़े साइज के प्रॉन्स इसमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और इन प्रॉन्स को हमने पकाना है। ये जो प्रॉन्स है बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसे पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन इसमें जो पानी है उसे थोड़ा सा हमने सुखाना है, इसलिए इसे आप तेज आंच पर करीब 1.5 से 2 मिनट तक पकाइए। और उसके बाद इसमें डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक। नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। अब ये प्रॉन्स पक चुके हैं, अब इसे हम बंद कर देते हैं। अब हम कटलेट की तैयारी करते हैं। ये जो यैम कंद जिसे हमने पकाया था, पानी के अंदर थोड़ी हल्दी डालकर इसे प्रोसेसर के अंदर डालें। इसे हमने मैश करना है, आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालें ये प्रॉन्स, इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसे मिक्स कर लें। अब ये जो है अच्छी तरह से पिस रहा है, इसमें शायद थोड़ा पानी था इसलिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है काफ़ी रनी है, तो इसको थिक करने के लिए इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, थोड़े थोड़े करके ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डालें और देखते रहें। अब इसे हम निकाल लेते हैं, अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं काफ़ी। अभी आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर यैम है या प्रॉन्स हैं, लेकिन जब खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें जो टेस्ट है वो यैम का भी है, यानी कंद का भी है और प्रॉन्स का भी है। अब ये जो मिक्सचर है इसे हम शेप देंगे, इसमें अभी भी थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाला जा सकता है, इसमें ब्रेड क्रम्स मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर भी क्रम्स लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी क्रम्स मिला दिए हैं तो ऊपर से क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि ये फटना शुरू हो तो आप इसके ऊपर पहले थोड़ा अंडा और उसके बाद एक कोट ब्रेड क्रम्स के लगाएं। ब्रेड क्रम्स मिक्स करने के बाद इसको अब हम शेप देंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें आप, पहले इसका गोला बना लें और उसके बाद इसे फ्लैट कर लें। अब आप या तो इस शेप में इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इस शेप में इसे फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर आप थोड़ा सा ऐसे दबा दें इस तरह से और ऐसी शेप देकर इसको फ्राई करें। अब ये जो हमने कटलेट बनाए हैं प्रॉन और यैम के, यानी झींगे और कंद के, उसे हम तलेंगे गरम तेल के अंदर और इसे हमने क्रिस्प फ्राई करना है, यानी दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन करना है और ये एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। जब आप खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर टेस्ट कुछ ऐसा है जो जाना पहचाना है, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कंद नहीं खाते, उन लोगों के लिए ये डिश बहुत बढ़िया है क्योंकि वो खाएंगे, मज़ा लेंगे और पूछेंगे क्या चीज़ है इसमें, आलू है। खैर कई बार तो पूछेंगे भी नहीं, यदि आप उनको बताएंगे कि इसमें कंद है तो मानेंगे नहीं। खैर वेजिटेरियन लोग जो कंद नहीं खाते वो तो शायद इसको नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर झींगा है, लेकिन
वो भी ट्राई कर सकते हैं बिना प्रॉन के इस डिश को बनाना। इसे हम पलट लेते हैं, देखिए कितना अच्छा रंग आ चुका है इसका। इसे अब हम निकाल लेते हैं। जब आप इसको फ्राई कर लें, एकदम क्रिस्पी फ्राई हो जाए, उसके बाद आप इसको अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व करें। चलिए एक जल्दी से सॉस आपको मैं बता देता हूँ। डेट से बनी हुई सॉस है ये। आप खजूर ले लें, अगर एक कप खजूर लिए हैं तो उसमें एक कप पानी लें और उसे उबाल लें करीब 5 से 10 मिनट तक, जब वो सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद निकाल लें और उसमें से उसका जो सीड है उसे निकाल लें और बाकी डेट्स को आप पीस लें लाल मिर्च पाउडर के साथ। करीब 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च के साथ इसे पीस लें। ये जो डेट है इसे हमने पहले पकाया पानी के साथ, उसमें से बीज निकाले और लाल मिर्च पाउडर के साथ उसे हमने पीसा है। इसमें आप डालें नमक, थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन और विनेगर। इसके साथ इसमें डालें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोरिएंडर, हरा धनिया। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ये जो चटनी है इसमें मिठास आएगी डेट से और खट्टापन है विनेगर का और तीखापन रेड चिली पाउडर का। इसमें तीखापन कुछ कम लग रहा है तो थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल देते हैं हम। इसे मिक्स करें। देखिए कितनी बढ़िया सॉस तैयार हो गई है। खट्टी है, मीठी है, तीखी है, फ्लेवर है। आप चाहें तो इसमें जो हमने अदरक और लहसुन डाला उसके बिना भी इसको बना सकते हैं। खैर, जब ये सॉस तैयार हो जाए और ये गर्मा गर्म प्रॉन और यैम कटलेट आपने फ्राई करके रखे हैं, इस सॉस के साथ सर्व करें। यकीन मानिए काफ़ी लोग पूछेंगे किस चीज़ के कटलेट हैं और ये सॉस में आपने क्या क्या डाला है। ऐसी ही चीज़ें बनाने का दिल करता है जब लोग खाएं, उसे पसंद करें और पूछें इसमें डाला क्या है। इसके लिए आप यम को छीलकर काट लें और इसमें नमक और हल्दी पाउडर डालकर पका लें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें बारीक कटा लहसुन और बारीक कटा अदरक डालकर सौते करें। इसके साथ इसमें बारीक कटी प्याज डालकर सौते करें और अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालकर इसे कुछ देर पकाएं। इसके बाद इसमें प्रॉन्स को डालकर इसे तेज आंच पर करीब 2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटा हरा धनिया और नमक डालकर मिलाएं और इसके बाद एक मिक्सी में पके यम के पीसेस और पके प्रॉन्स के मिक्सचर को डालकर इसे पीसें। इसके साथ इसमें ब्रेड क्रम्स डालकर इसे अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद पिसे मिक्सचर के हाथ पर तेल लगाकर इसके कटलेट्स बना लें और इन कटलेट्स को गर्म तेल के अंदर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और इसे निकाल लें। खजूर की चटनी के लिए आप 1 कप खजूर में 1 कप पानी डालकर इसे करीब 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसका बीज निकालकर इसमें लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे पीस लें और इसमें नमक, बारीक कटा अदरक, बारीक कटा लहसुन, विनेगर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और इस चटनी को कटलेट्स के साथ सर्व करें।